से अमित जी बात करें ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का नवंबर वायदा 11,932 पर है, 12,080 का ही लगा चुका है, 4.5% का आपूर्ति सर्किट है। और ग्वार सीड का नवंबर वायदा 6,461 पर कारोबार कर रहा है, 6,540 का हाई लगा चुका है 2.5% की तेजी के साथ। अमित जी आपने ग्वार के लेवल्स दिए थे कि ग्वार 12,000 का टारगेट हिट करता हुआ नजर आ सकता है और ग्वार सीड 6,500 का। आज आपके ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों की टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आ गए हैं। अब आपको यहां से आगे क्या लगता है, क्या यहां से तेजी के बाद ग्वार कॉम्प्लेक्स में एक करेक्शन का दौर आएगा या फिर यहां से और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी? देखिए शॉर्ट टर्म करेक्शन रोल आउट नहीं हो सकते क्योंकि कोई भी तेजी के मार्केट में करेक्शन आती है, लेकिन जो ट्रेंड है वो अभी भी बाइंग साइड रहेगा। जो एक्सटेंडेड टारगेट है वो मैं दे सकता हूँ कि 12,400 का लेके चला जा सकता है, लेकिन इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए आपको हो सकता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस 11,850 से 11,800 तक के स्तर मिले, वहां पर इनिशिएट किया जा सकता है और 12,400 के शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट लिए जा सकते हैं। जहाँ तक ग्वार गम का सवाल है, अगर यही ग्वार सीड की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ग्वार सीड में भी मिनिमम 6,800 का एक लेवल है जो हमें काफी जल्द नजर आ सकता है। तो ग्वार सीड में करंट मार्केट पे भी बाइंग की जा सकती है और अपसाइड में 6,800 का एक पोजिशनल व्यू लेके चला जा सकता है। जी, तो यानी कि ग्वार कॉम्प्लेक्स में अभी भी तेजी का ही रुझान है। अमित जी ने जो टारगेट्स दिए हैं आप उन पर खरीदारी करके चल सकते हैं।